अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लर्निंग विद जी के साथ माई सेल्फ निशान जफर। दोस्तों, आज जो हमने प्ले डिस्कस करना है वो है द स्कूल फर्स्ट स्कैंडल, और इसको लिखा था रिचर्ड शेरडन ने, और ये एक आयरिश ड्रामेटिस्ट हैं, और इन्होंने मतलब ये प्ले लिखा था बहुत अच्छा तरीके से। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये प्ले के अंदर, और ये लिखा गया था 1777 के अंदर लंदन के अंदर, उसकी सेटिंग भी लंदन के अंदर रखी गई थी। तो इस प्ले के अंदर मैक्सिमम चीज़ें हैं, नाम से भी आपको आइडिया हो जा रहा है कि मतलब हो सकता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है, नाम से आइडिया हो रहा है कि ये स्कैंडल है। तो स्कैंडल के हवाले से अब इसको डिस्कशन थोड़ी सी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लेडी स्नेरवेल के घर से। लेडी स्नेरवेल है और उसका एक सर्वेंट है जिसका नाम है स्नेक। तो ये बेसिकली ये जो स्नेक है, अब ये स्नेक क्या काम करते हैं, लेडी स्नेरवेल का जो स्लेव है, गुलाम कह सकते हैं, नौकर भी कह सकते हैं, सर्वेंट भी कह सकते हैं, ये स्नेक झूठ मूठ की खबरें फैलाता है। फैलवाता कौन है, लेडी स्नेरवेल। लेडी स्नेरवेल क्या करती है, वो चार्ल्स सर्फ से मोहब्बत करती है, इसको पसंद करती है, और इसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। और चार्ल्स सर्फ जोन्स है वो मारिया से मोहब्बत करता है, और ये एक दूसरे को पसंद करता है, एक दूसरे से शादी करना चाहता है। लेडी स्नेरवेल कोशिश करती है कि जितना हो सके मैं इनको आपस में अलहदा रखूँ, इनको आपस में कभी भी मिलने ना दूँ। अब क्या होता है, ये अक्सर एक ही घर में बैठ के, लेडी स्नेरवेल के घर में बैठ के ये बातें करते हैं। स्नेक होता है, लेडी स्नेरवेल होता है, कुछ और लोग होते हैं, और चार्ल्स सर्फेस और जोसेफ सर्फेस ये दोनों भाई हैं। चार्ल्स के बारे में पूरी सोसाइटी के अंदर मशहूर है कि ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा अयाश परस्त है, इस कर्ज़ों में डूबा हुआ है ये वो। जोसेफ के बारे में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि बहुत अच्छा है, विलिंग है, और मारिया की शादी भी इसी से होनी चाहिए, हर कोई यही चाह रहा होता है। अब ये सारे बैठ के चार्ल्स सर्फेस के कर्ज के बारे में बातें कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही होती है। अब ये चीज़ें होगी, मारिया के बारे में भी आपको पता चल गया। अब कुछ और कैरेक्टर हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सर पीटर हैं इसके अंदर, और अब ये सर पीटर हैं, इन्होंने पहले कभी मतलब सारी ज़िंदगी कुंवारे रहे हैं। प्ले शुरू होने से पहले इन्होंने अभी शादी की, कुछ अर्सा पहले, 7-8 महीने पहले शादी की। तो जिसके साथ शादी की वो है, उसका नाम है लेडी टिजल। लेडी टिजल्स के साथ इनकी शादी हुई, और रॉले सर पीटर का बहुत करीबी, आप कह सकते हैं नौकर है, बहुत करीबी नौकर है, जिस पे इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। तो सर पीटर और लेडी टिजल के अंदर एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल यंग लेडी हैं और ये थोड़े से एजड हैं, जिसकी वजह से इनके आपस में लड़ाइयाँ रहती हैं और आपस में बनती भी नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, सूरत हाल है। अब सर पीटर ही लुक आफ्टर कर रहे होते हैं मारिया को, और इस तरह से ये सारी सिचुएशन चल रही होती है। सर पीटर भी चाहते हैं मारिया की शादी किससे हो जाए, जोसेफ से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब जोसेफ टाइम निकाल के, मौका दे के, अब मारिया की तरफ एक इवेंट होता है वहाँ पे, जब सारे होते हैं घर में, तो वो जोसेफ मारिया की तरफ आता है, उसे प्रपोज करता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, उसे प्रपोज करता है, और जिसको मारिया एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो चार्ल्स से मोहब्बत करता है, चार्ल्स इससे मोहब्बत करता है। इतनी देर में क्या होता है, लेडी टिजल आ जाती है। जैसे लेडी टिजल आती है, जोसेफ जल्दी जल्दी खड़ा हो जाता है, और मारिया वहाँ से, मारिया को वो भेज देती है। जैसे वो आते हैं, वो इस पर गुस्सा करते हैं कि ये क्या था, ये वो फलान। जोसेफ अपने इस सच को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा बहुत लेडी टिजल को शक हो जाता है। अब सिचुएशन ये हुई है कि सर पीटर को लगता है कि उसकी बीवी का जो चक्कर है ना, वो चार्ल्स के साथ है। अब ये खबर किसने मशहूर करवाई थी, वो भी लेडी स्नेरवेल ने मशहूर कराई थी अपने सेवन स्नेक के थ्रू। लेकिन यहाँ पे उलट हो जाता है, जो लेडी टिजल है वो जोसेफ के साथ अफेयर में है, और जोसेफ लेडी टिजल के साथ अफेयर में है। तो ये बात क्लियर हो गई। फिर अब होता इस तरह से है, सर पीटर का एक दोस्त सर ओलिवर सर्फेस काफ़ी अरसे के बाद जो बाहर रहता है वो वापस आता है, और ये बेसिकली चार्ल्स और जोसेफ सर्फेस का अंकल है, और ये इन्हें लुक आफ्टर भी करता रहा है, और ये बहुत पैसे वाला है। तो ये वापस आता है, अब इनको नहीं पता कि ये इनका अंकल वापस आ चुका है, सर पीटर को पता है। अब सर पीटर सर ओलिवर सर्फेस से अपने दोनों, उनके दोनों भतीजों के बारे में बात करता है कि तुम्हारा जो जोसेफ सर्फेस बेटा है, भतीजा है, वो बहुत अच्छा है, और इस तरह से ये है, वो है फलान है, मैं चाहता हूँ मारिया की शादी इसी से हो जाए। और चार्ल्स सर्फेस जोन्स है वो अल्कोहलिक है, वो ये है, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो फैसला ये किया जाता है, रॉले भी कहता है, फैसला ये किया जाता है, सर ओलिवर कहते हैं मैं इन दोनों को ट्रायल में लेके आता हूँ, जो मेरा ट्रायल फुलफ़िल करेगा तो उसके साथ हम उसको मैं अपनी दौलत भी दे दूँगा, और मारिया की शादी भी इससे हो जाएगी। अब सर पहले
सर ओलिवर सेफेज अपना भेष बदलकर, हुलिया बदलकर सर प्रीमियर बन के चार्ल्स के पास जाता है। चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लगा रहा होता है, अल्कोहलिक हुआ हुआ होता है, और आखिरकार किसी बात पे आ जाते हैं कि चार्ल्स कहता है हाँ जी मुझे पैसों की ज़रूरत है, और जैसे ही मेरे अंकल हैं वो आएंगे, अगर उनकी डेथ के बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा तो मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। याद रहिए पहले भी कर्ज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो होता है इस तरह से, वो कहते हैं कि सर ओलिवर कहते हैं कि जी अच्छा ये इतना ये मतलब सोच रहा है, अब वो सर प्रीमियर बने हुए। अब वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ बेचने के लिए तो मुझे दे दो, तो वो कहते हैं हाँ मेरी फैमिली फ़ोटोज़ हैं कुछ, तो मैं वो आपको दे सकता हूँ। सर ओलिवर सर्फेस को गुस्सा आता है कि देखो पैसे के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन सर ओलिवर सर्फेस कहते हैं कि मुझे वो वाली तस्वीर दो। तो चार्ल्स सर्फेस उस तस्वीर को मना कर देता है क्योंकि वो तस्वीर उसके अंकल सर ओलिवर सर्फेस की होते हैं। वो कहते हैं मैं ये आपको नहीं दे सकता, बाकी आप जो भी ले जाएं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात पे सर ओलिवर को बड़ी खुशी होती है कि चलो भाई ये मेरी रिस्पेक्ट तो करता है, मुझे कहीं वो कहीं मतलब ख़राब नहीं करेगा। अब यहाँ तक इसको ये आजमा लिया। अब जोसेफ सर्फेस और लेडी टिजल एक जगह पे होते हैं। अब जैसे ही जोसेफ को पता चलता है कि सर पीटर आए हुए हैं, सर पीटर उससे मिलने आ रहे हैं, वो लेडी टिजल को क्या करता है, उसको कहता है कि उसके रूम में चले जाओ, जाके छुप जाए। अब जैसे ही जोसेफ सर्फेस सर पीटर के पास आते हैं, सर पीटर उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अब मैं उसको बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा ताकि वो अपना जो भी रिक्वायरमेंट उसको फुलफ़िल करें ताकि हमारी लड़ाई ना हो। इतनी देर में चार्ल्स सर्फेस वहाँ पे आ जाता है, तो सर पीटर भी चुपके पर्दे के पीछे चले जाते हैं कि तुम तो मुझसे पूछना कि उसका लेडी टिजल के साथ कोई सीन या कोई चक्कर तो नहीं है। अब जोसेफ चार्ल्स बातें कर रहे होते हैं, जोसेफ कहते हैं हाँ भी, चार्ल्स को कहते हैं बताओ भी लेडी टिजल का क्या सीन है, तो चार्ल्स कहते हैं अच्छा मेरे साथ उसका कोई इस तरह का अफेयर नहीं है, तुम्हारे बारे में सुन रहे हैं कि तुम्हारे साथ उसका अफेयर है। ये बात सुन के अब वो उसको कहते हैं कि आज तक बोलो सर पीटर ये बातें सुन रहे हैं। इतनी देर में सर पीटर बाहर निकल आते हैं और बहुत खुश होते हैं, चलो चार्ल्स के साथ उसका कोई चक्कर नहीं है। जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो लेडी टिजल भी बाहर आ जाते हैं। लेडी टिजल जैसे बाहर आती हैं तो वो सच बताती हैं कि उसका चक्कर उसका अफेयर चार्ल्स के साथ नहीं है, उसका अफेयर जोसेफ के साथ था। तो ये सारी बातें इतने में अब लोगों का हजूम उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। पहले बताया स्कूल फॉर स्कैंडल है प्ले, तो लोगों का हजूम घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है और हर कोई अपने उसमें लगा होता है। लेकिन रॉले आता है और जाके सर पीटर को बताता है कि इस तरह है, लेकिन रॉले फिर कहता है कि सर पीटर को कि अपनी बीवी को माफ़ कर दें। वो शर्मिंदा है, वो इस बात पर उसको बहुत ज़्यादा यानी एम्बेरसमेंट है, वो ठीक हो जाएगी। तो सर पीटर उसे माफ़ कर देते हैं, सारा कुछ ठीक हो जाता है। अब सीन कुछ इस तरह से होता है, अब बारी आ गई जोसेफ सर्फेस को आजमाने की। तो सर ओलिवर सर्फेस वहाँ पे मिस्टर स्टेलन का भेष बदल कर वहाँ पे जोसेफ के पास आते हैं और कुछ चैरिटी लेने आते हैं। तो जोसेफ कहता है मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है और मुझे अपने अंकल की तरफ से भी कुछ भी नहीं मिलना हुआ, मुझे पता है चैरिटी देनी चाहिए लेकिन मैं नहीं दे सकता। अब इतने में उसे पता चलता है, तो वो बड़ा डिसार्ड होते हैं, तो वहाँ से वो जाने लग रहे। इतने में उसे पता चलता है कि उसके अंकल आ रहे हैं, तो अब वहीं पे वो खड़े होकर कहता है ये अंकल को भी सर ओलिवर सर्फेस के बारे में कहता है कि अंकल को भी अभी आना था, पता भी ये हालात सिचुएशन चेंज है। ये सुन के सर पीटर को बहुत हैरानगी होती है कि जोसेफ सर्फेस किस किस्म का बंदा है। अब होता इस तरह से है कि अब जोसेफ अपने रूम में चला जाता है, लेडी स्नेरविल वहाँ पर आती है और वहाँ पर आके वो कहती है कि जी बाहर बातें चल रही हैं कि लेडी स्नेरविल का और जोसेफ का आपस में चक्कर है। अब जब ये सारी बातें चल रही होती हैं तो इतने में ये सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और सर ओलिवर सर्फेस भी आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है इनके अंकल, उन्होंने उसे ट्रायल बाय ट्रायल आजमाया था, तो ये तो कामयाब हो गया, ये कामयाब नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही मतलब नाकाम होते हैं। लेकिन ये फिर दोबारा से यानी बटरिंग करता है दोबारा से कि नहीं मैं ये वो लेम एक्सक्यूज़ देता है, लेकिन चार्ल्स सीधा सीधा कह देता है मुझसे गलती हुई, मुझे नहीं भेजना चाहिए था बिक्स वगैरह। सर इसे सर ओलिवर सर्फेस इसे तो माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लेकिन वो जोसेफ को माफ़ नहीं करते कि तुम्हारे अंदर अभी भी हाइपोक्रेसी है, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, ये है वो फ़लाँ है। तो इस तरह से इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। चार्ल्स की शादी तो खैर नहीं होती, लेकिन यह है कि एंड में मतलब आप कह सकते हैं कि एंड में मारिया के साथ उसके अटैचमेंट हो जाती है और ये इनके घर भी बस जाते हैं, सारा कुछ ठीक का ठीक हो जाता है। होप सो आप लोगों को ये प्ले समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल स्कूल फॉर स्कैंडल है और इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू, मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।